गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द स्टैनफोर्ड एजुकेशन सीरीज में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 का पार्ट टू। पार्ट वन हम सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसमें फोर्स के बारे में पूरी जानकारी हमने ले ली। थोड़ा सा जल्दी जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फटाक से हमारे आज के टॉपिक पे आ जाते हैं और उसका नाम है प्रेशर। चलो रेडी। सबसे पहले आ जाओ, फोर्स क्या था? कोई भी पुल या पुश है उसको हमने कहा था फोर्स। मैं जल्दी जल्दी रिपीट करूंगा क्योंकि अपने को टॉपिक पे आना है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखे थे ये फोटोग्राफ्स के माध्यम से कि यहाँ पर या तो पुशिंग हो रहा है या पुलिंग हो रहा है। उसके बाद हमने ये पूरा चार्ट पढ़ा था, उसमें भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स थे जहाँ हमने देखा था कि या तो हम कोई चीज़ को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। देन वी हैड सम एग्जांपल्स, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, हमने ये पढ़ा, यानी कि जब कभी फोर्स किसी के ऊपर अप्लाई होता है तो जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई होना है और जो फोर्स करने वाला है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन चाहिए, या तो कांटेक्ट होना चाहिए या नॉन कांटेक्ट हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन होना चाहिए। तो पहला एग्जांपल क्या था? ये वाला, जिसमें एक लड़का है कार के पीछे खड़ा है और कार मूव नहीं कर रही है, लेकिन जब उसने हाथ से उसको टच करके धक्का लगाया तो कांटेक्ट होने की वजह से उसकी ताकत उसके ऊपर लगी। देन दूसरा एग्जांपल है टू गर्ल्स, ये क्या कर रही है? एक दूसरे को पुशिंग कर रही है। ये दोनों गर्ल्स क्या कर रही है? एक दूसरे को पुल कर रही है। और तीसरा एग्जांपल था ये वाला, जिसमें जो ये बेल है ब्लॉक और ये लड़का है दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, तो पुलिंग का एग्जाम्पल हो गया। नाउ उसके बाद हमने देखा कि एक्सप्लोरिंग फोर्स के अंदर हमने देखा कि एक सेम डायरेक्शन में यदि आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो फोर्स की जो ताकत है ना वो जुड़ जाती है, और अगर डिफरेंट और अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होता है, फोर्स जो है ना वो सब्सट्रैक्ट हो जाता है। जिसकी ताकत ज़्यादा होगी उसकी तरफ फोर्स मूवमेंट करेगा ऑब्जेक्ट। और ये एग्जाम्पल देखिए, क्या खेल रहे हैं बच्चे? क्या खेल रहे हैं बच्चे? रस्सा कस्सी खेल रहे हैं, टग ऑफ वार खेल रहे हैं। तो उसमें क्या है कि कुछ बच्चे इधर हैं कुछ बच्चे उधर हैं, कौन जीतेगा? जिसकी ताकत ज्यादा होगी, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे डायरेक्शन फोर्स जो है ना ज्यादा होगा। चलो ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि फोर्स है ना दो काम कर सकता है। पहला काम तो ये कर सकता है कि वो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन अपन ने समझा था, ये पांचवा एग्जांपल उसके पढ़े थे अपन ने, ये वाले जरा इसको वापस से रिपीट कर लो कि या तो कोई फोर्स क्या कर सकता है किसी रेस्ट में, यानी कि पड़ी हुई चीज को स्टार्ट कर सकता है, मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है, या किसी मूवमेंट करने वाली चीज को और ज्यादा तेज कर सकता है। दो काम हो गया। फिर मूवमेंट करने वाली चीज की स्पीड को रिड्यूस कर सकता है, तीसरा हो गया। फिर मूवमेंट करने वाली चीज को स्टॉप कर सकता है, चौथा काम हो गया। और पांचवा हो गया उसका डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। फोर्स के द्वारा अपन फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल से किसी बच्चे ने किक मारा तो आप भी उसको जब वापस किक मारते हो तो क्या करते हो आप, है ना, उसका डायरेक्शन को चेंज करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो अपने पैर से। तो अभी अपन ने पढ़ लिया, स्टेट ऑफ मोशन पढ़ा। उसके बाद दूसरा काम क्या कर सकता है ये फोर्स? ये उसकी शेप में चेंज कर सकता है। तो शेप में चेंज का एग्जांपल ये पढ़ा, ये एग्जांपल आटा गूंद रही है मम्मी, तो आटा गूंदते वक्त उसमें मम्मी ने ताकत लगाई तो आटा जो था ना डफ, वो डफ का शेप चेंज हो गया। फिर उसकी मम्मी ने उसका लोया बनाया, लोया बना के उसकी रोटी बनाई, तो लोया बनाया तब भी उसको प्रेशर लगाया, फिर रोटी बनाई तब भी प्रेशर लगाया तो रोटी बनाई, तो उसका शेप चेंज हो गया। फोर्स क्या कर सकता है?
शेप को चेंज कर सकता है, तो कुछ एग्जांपल ये आ गए। फिर अपन ने दो प्रकार के फोर्स के बारे में पढ़ा, एक तो है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब दोनों कोई चीज़ है ना, उनका कॉन्टैक्ट होता है, टच होती है। और एक ऐसे भी होता है कि फोर्स लग रहा है और कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। तो ये भी अभी अपन ने पढ़ा था, वापस से रिपीट कर लें। तो पहला कॉन्टैक्ट फोर्स है मस्कुलर फोर्स। अभी अभी अपन ने फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया था, अभी आपने फुटबॉल किसी साथी ने आप किक मारी, आपके पास बॉल आई, आपने वापस से उसको किक मारी, तो आपने क्या अप्लाई किया, मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल अपन ने पढ़ लिया, साइकिल को पैडल मारते हो आप सब करते हो, वो मस्कुलर फोर्स है। कोई भी काम करते हो, कोई भी चीज़ उठाते हो, हाँ, वो सब मस्कुलर फोर्स हो गया। जो ये बुलक है, बैलगाड़ी है, जो बैलगाड़ी है वो भी अपना मस्कुलर, बैल जो है अपना मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। ऊँट, कोई गाड़ी चलती है तो ऊँट भी अपना मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। फिर दूसरा प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स है, उसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी घर्षण। कोई भी चीज़ पे अपन मूवमेंट करते हैं ना, तो वो उसके अपोज में काम करती है। तो फ्रिक्शन के बारे में अपन ने पढ़ा कि जैसे अपन फुटबॉल खेलते हैं तो अपन किक मारते हैं तो फुटबॉल कुछ देर जाके रुक जाती है, या हम जब साइकिल का पेडल चलाते चलाते पेडल को रोक देते हैं तो कुछ देर बाद जाके रुक जाता है। अभी वो पूरा चैप्टर फ्रिक्शन का, अगला चैप्टर है ना, पूरा फ्रिक्शन के ऊपर है ही। तो फ्रिक्शन अपन वैसे भी पढ़ेंगे। और ये एक चीज़ और याद कर लें फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन जो है ना हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। मतलब इधर मुड़ो, इस टेबल को मैं इधर खिसकाऊंगा तो फ्रिक्शन उल्टा, और इधर खिसकाऊंगा तो उल्टा। जिधर जाओगे ना उसका अपोज करता है। आप साइकिल चलाते हो, हवा सामने से आती है, वो भी फ्रिक्शन है, तो वो आपको रोकने की कोशिश करती है। पानी में स्विमिंग करते हो तो पानी में आपको बराबर आपको हाथ चलाना पड़ता है, नहीं चलाओगे तो आगे नहीं बढ़ते हो। नाव वाला अगर वो रोइंग करते 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 रुक जाएगा तो नाव थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। सबका काम क्या है, फ्रिक्शन। अब अपन आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे, और पहला इसमें है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक वाला। अपन ने पढ़ा था नॉर्थ और साउथ पोल तो अट्रैक्ट करते हैं, और नॉर्थ और नॉर्थ यानी समान जो पोल है, सेम पोल, वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं, रिपल्शन करते हैं। साउथ से साउथ अगर सामने आ जाएगा रिपल्शन करेगा, नॉर्थ से नॉर्थ रिपल्शन करेगा, और नॉर्थ से साउथ अट्रैक्ट करेगा। ये पढ़ लिया। फिर अपन ने दूसरा पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अपन ने पढ़ा था कि अपन जब खेल करते हैं, ऐसे कंघे को पहले अपने बालों में बनाया, फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखे और कंघे को पास में रखते, तो टुकड़े होते ना कागज के, उसके चिपक जाते। या कभी आपको किसी कुर्सी पर बैठे हो, अपने प्लास्टिक की कुर्सी पर चप्पल पहन रखी है, और अपन उठते हैं, किसी को हाथ लगाते हैं तो उसको करंट आता है, तो वो कौन सा चार्ज हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं उसको। और ये एग्जांपल उसका दे रखा है कि दो स्ट्रो में एक को लटका दिया, दूसरे को ऐसे रगड़ के किसी चीज़ से, उसको सिंथेटिक कपड़े से उसके पास ले जाओगे तो वो मूवमेंट करेगी। तीसरा प्रकार का अपन ने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जो हमेशा चीज को अपनी तरफ खींचता है। तो हमेशा जो है अर्थ है, या पूरी दुनिया में कोई भी पूरे जो अंतरिक्ष में कोई भी प्लेनेट है, कुछ भी है, सन है, सारे एक दूसरे को खींच रहे, तो उसको फोर्स का नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। नाइन्थ क्लास में जब आप आओगे ना, पूरा बड़ा चैप्टर है इसके बारे में, वो भी पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं अपन सीधे अपने आज के टॉपिक के ऊपर, और वो है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है भैया? सबसे पहला प्रेशर अपन पढ़ें कि प्रेशर जो है, अगर मान लिया जो अपने दीवार पे कील ठोकते हैं ना, तो उसको ऐसे कील आगे से तीखी होती है, और आगे से तीखी होती है, पीछे से आप हथौड़ी मारो तो दीवार में कील घुस जाती है। अगर मान लिया आगे वाला उसका सिरा है ना, वो अगर तीखा नहीं हो तो दीवार में घुसेगी क्या? नहीं घुसेगी। आप चाकू से सब्जी काटते हो, अगर चाकू एकदम तीखा है तो फटाक से सब्जी को हल्का सा जोर मारोगे और सब्जी कट जाती है। लेकिन चाकू अगर आगे से ब्लंट हो, बोटा हो, तो क्या होगा, बहुत ताकत लगाओगे तो कटेगा नहीं,
इसका क्या मतलब है? फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम जब रेत के ऊपर कभी खड़े होते हैं ना, रेत में कभी आप जाना जहाँ पर अपना डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है, वहाँ पर रेत होती है, पता है? वहाँ रेत में आप चलने की कोशिश करना, कभी समंदर के पास भी रेत होती है, वहाँ पर दौड़ लगाने की कोशिश करना, तो रेत में आपको ना बहुत ताकत लगती है। और रेत में क्या चक्कर, अपन चलते हैं ना तो अपने पैर जमीन रेत में घुस जाते हैं। तो क्यों घुस जाते हैं? और जब जो है अगर अपन रेत पे सो जाएं, है ना, रेत पे अगर अपन सो जाएं तो अपन जमीन में नहीं घुसते हैं। अगर खड़े हैं तो घुस जाते हैं, लेकिन सो जाएं तो नहीं घुसते। ये क्या बात हुई? अपना वेट तो सेम है, ये तो कुछ बात ही अलग हुई। ऊंट जो होता है ना, कैमल, वो तो बड़े आराम से चलता है रेत के ऊपर, उसके पैर तो जमीन में ही नहीं धंसते। हाँ, ये क्या बात हुई? तो इतने सारे अपन ने एग्जाम्पल दिए, तो प्रेशर क्या चीज है ये? अभी अपन उसके बाद पढ़ेंगे, अपने एटमॉस्फेयर में भी प्रेशर होता है। हाँ, अपने जो हवा है ना, अपनी धरती के ऊपर इतनी काफी किलोमीटर तक हवा है, जो हवा होती है उसका भी प्रेशर होता है। कभी तो हमको तो फील नहीं हुआ, हवा तो हल्की होती है। ये हवा में कोई वजन होता है क्या? नहीं होता है हवा में। तो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि ना अपने सिर पे 200 kg के आसपास का वेट हवा का है। अच्छा, ऐसा होता है? तो अभी अपन पढ़ते हैं फटाफट, आ जाओ। सबसे पहले प्रेशर, ये एग्जांपल दे रखा है जिसमें हथौड़ी से कील को कर रहे हैं। फिर अपन पढ़ने वाले हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अभी सारे उत्तर अपने को मिल गए। देखो, जब अपन खड़े थे तो जमीन में नहीं घुसे थे क्योंकि अपने पैरों का एरिया जमीन में घुस रहे थे, पैरों का एरिया कम था। जब अपन सो गए तो अपना एरिया बढ़ गया, तो प्रेशर कम पड़ गया। ऊंट के जो पैर है ना, गद्दीदार है, तो वो एरिया बढ़ने की वजह से पैर उसके जमीन में नहीं घुस रहे। अब एक एग्जांपल दे रखा है यहां पर, ये पोर्टर है, कूली। कभी आप रेलवे जाते हो, वहां पर कूली होता है, तो कूली क्या करता है ना, अपने सिर पे ना अपना टॉवल का ऐसा गोल बना देता है, ऐसा रिंग जैसा। उस रिंग को उसके ऊपर सिर पे रखता है, फिर उसके ऊपर वो ना बहुत सारी बैग वगैरह रख देता है। तो ऐसा रिंग क्यों रखता है? कभी आपने मजदूरों को तगारी उठाते हुए देखा? तो तगारी जब उठाते हैं ना, तो वो भी अपने सिर पे कुछ एक छोटा सा एक रिंग जैसा बना लेते हैं। मटकी पहले जमाने में तो लाते थे, आजकल भी गाँव में लाते हैं, पानी लेने जाते हैं। तो पानी लेने जब मम्मी और दादी जाती है तो ऊपर मटकी के नीचे एक गोल से रिंग रख लेती है, ठीक है? तो वो रिंग क्यों रखती है? अब उसका सारा आंसर आ गया, बिकॉज क्या करती है वो, उसके एरिया को बढ़ा देती है। जब एरिया बढ़ जाता है, तो अपन ने अभी पढ़ा प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया क्या है, नीचे की तरफ है। तो जितना एरिया ज्यादा होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा, क्योंकि एरिया नीचे की ओर है। अब जरा ये बता दो कि, अब जरा इसको पहले पढ़ेंगे फिर अभी एक एग्जांपल लेंगे, कि हम जब स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल में जो हमारा बैग होता है ना, उसके पट्टा अगर मोटा होता है तो हमारे को शोल्डर पे थोड़ा वेट कम लगता है। अगर पट्टा जो है ना उसका बैग का अगर पतला है तो हमको बहुत लोड लगता है। चलो पढ़ते हैं, आ जाओ। Note that the area is in the denominator in the above expression. So the smaller is the area, larger the pressure on the surface for the same force. The area of the pointed end of a nail is much smaller than of its head. बात वही आ गई कि जो कील है उसका आगे वाला सिरा नुकीला है, तो उसका एरिया कम है, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। द सेम फोर्स देयर फोर प्रोड्यूसेज ए प्रेशर सफिशियंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इन टू द वुडन प्लैंक।
ओके। ये बच्चे ने क्या बोला कि मैंने अब मालूम चल गया कि आई नाउ अंडरस्टैंड वाई वाई पोर्टर और नाई अंडरस्ट वाई पोर्टर्स प्लेस ऑन देयर हेड ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ। अभी अभी अपन ने पढ़ लिया, उसका ये एग्जाम्पल आ गया। अब आता है कि ये तो सॉलिड कोई चीज़ है, सॉलिड बैग है, पत्थर है, वो तो प्रेशर डालता है। क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर डालते हैं क्या? अब आ गया बिंदु, पानी वाला और हवा वाला। पानी में भी प्रेशर होता है क्या? हवा में भी प्रेशर होता है क्या? भाई अपने को ये तो मालूम चल गया कि अपने अपने जो कोई बहुत बड़ा पत्थर है उसको अगर उसमें तो बड़ा वेट होता है, उसमें प्रेशर होता है, लेकिन पानी में भी होता है क्या? तो पहला एक्सपेरिमेंट ये वाला क्या किया, दो ऐसे ले लिए लंबे वाटर कॉलम और उसके नीचे बांध दिया एक गुब्बारा सा और उसमें भरा पानी। तो जैसे पानी को बढ़ाते जाओगे गुब्बारा नीचे से फूलता चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पानी जोर लगा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ये वाला, एक बोतल ले ली प्लास्टिक की, उसमें छोटा सा होल किया, उस होल में से गर्म करके कोई एक कांच की नली फिक्स कर दी, फिर उस कांच की नली के इधर वाले हिस्से पे भी गुब्बारा लगा दिया, बलून लगा दिया। तो जैसे पानी आप भरोगे थोड़ा सा बलून भी फूलेगा। ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ। और तीसरा ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें क्या किया, पानी उसके ऊपर भर दिया बोतल में और दोनों तीन दो तीन तरफ होल कर दिए। तो जब पानी कम था ना तो जो है ना पानी उसकी जो धार है वो थोड़ी पास में ही गिर रही थी, लेकिन जैसे ही आपने ऊपर तक भर दिया पानी थोड़ा तेजी से निकलने लग गया। तो कभी कभी अपन घरों में टंकी खाली करते हैं, आपके घर पे कभी नल वाला काम करने आता है तो टंकी अगर पूरी भरी होती है ना और नल वाले ने अगर नल खोला तो एकदम तेज पानी निकलता है, बहुत तेज प्रेशर से निकलता है, क्योंकि एक तो टंकी ऊंची है, हाइट पर है और उधर वो टंकी भरी हुई है, तो पानी का तेज प्रेशर निकलता है। कभी आपने सड़क के किनारे पाइपलाइन फूट जाती है तो बहुत बड़ा फाउंटेन पानी का निकलते देखा, फुहारा निकलता है। कभी रोड के पास में कभी काम चल रहा होता है और वो पाइपलाइन जो है अगर कोई कारण से फट जाती है या कोई डैमेज हो जाती है तो वो क्यों, क्योंकि जो सप्लाई होती है ना पानी की वो प्रेशर से होती है, तेज प्रेशर होता है। तो तेज प्रेशर जब भी होगा पानी तेजी से बाहर निकलेगा। तो अभी अभी अपन ने ये सारे पढ़ लिए। हाँ, तो कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब अगला आता है, डू गैसेस ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर। तो बताइए गैस भी करती है क्या? अब बताओ गैस भी, गैस यानी हवा में भी प्रेशर होता है क्या? तो आता है आंसर कि एक तो अपने एग्जाम्पल दिया कि जो अपनी साइकिल होती है, डू यू रिकॉल दैट वॉट हैपन्स टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब वेन इट इज पंक्चर। सो डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एग्जर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून और ए ट्यूब। सो फाइंड दैट द गैसेस टू एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। अब साइकिल तो आप रोज चलाते हो और जब पंक्चर हो जाती है ना तो टायर में हवा कम हो जाती है, तो टायर में जब हवा कम हो जाती है तो वो तो दिक्कत हो जाती है, चलाने में भी दिक्कत आती है और उसका जो है ना वो रिंग भी टच हो जाती है। तो अपने को तो हवा भरनी बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी अपन क्या कहते हैं साइकिल वाले को, भैया हवा थोड़ी बहुत ज़्यादा मत भरना नहीं तो मेरा टायर फट जाएगा। तो क्यों फट ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हवा में प्रेशर होता है और बहुत भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ तो फट जाता है। बलून होता है ना, बलून अपन फुलाते जाएंगे फुलाते जाएंगे फुलाते जाएंगे तो एक लेवल पे आने के बाद बलून क्या करेगा, फट जाएगा। तो हवा में प्रेशर होता है, ठीक है। ये तो अपन ने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं अपन दूसरा बिंदु,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अच्छा हवा में तो होता, ये तो समझ में आ गया। तो अपने ऊपर इतनी हवा है वो भी प्रेशर डालती है क्या? अब आ जाओ इसके ऊपर, ये अच्छा टॉपिक है अपना, इम्पोर्टेंट है। तो यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, अपने चारों तरफ हवा है। दिस एनवलप ऑफ द एयर इज नोन एज एटमोस्फियर, अपने चारों ओर जो वायुमंडल है, हवा का वो पूरा एरिया है, हवा है, वायुमंडल बोलते हैं उसको, उसको क्या कहते हैं, एटमोस्फियर। द एटमोस्फियर एयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अपने धरती से कई किलोमीटर तक अलग अलग लेवल पे एटमॉस्फेयर का, अभी आपको ज्योग्राफी में आता होगा कि सबसे ऊपर तो ओजोन स्फीयर है, फिर आयनोस्फीयर वगैरह होता है, फिर ऐसे चार भागों में उसको डिवाइड किया है। अपने बादल होते हैं ना, क्लाउड्स वगैरह, वो तो सबसे नीचे रहते हैं, फिर उसके ऊपर चले जाओ तो वहाँ बादल भी नहीं होते। अच्छा ठीक है, तो दिस प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, ये तो ठीक बात है। अब ये अपने दिमाग में क्वेश्चन आया कि जब अपन ऊंचाई पे जाते हैं ना, जैसे मान लिया पहाड़ पे चढ़ गए, ऊंचे पहाड़ पे, ऐसे अपने जो आसपास के जो पहाड़ होते हैं ना उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप मान लिया माउंट एवरेस्ट के आसपास जैसे जो पहाड़ है, माउंटेन्स है, उनके ऊपर आप चढ़ते हो या एक लेवल के ऊपर चढ़ते हो ना, तो वहाँ प्रेशर कम होता है, हाई एल्टीट्यूड्स पे लेस प्रेशर। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको अगर कभी जाने का काम पड़ा या नहीं पड़ा तो जाना, वहाँ पे आप जब दौड़ लगा दो अगर, तो आपकी सांस फूल जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, क्योंकि एयर प्रेशर कम होता है ना, तो ऑक्सीजन भारी होती है तो नीचे नीचे रहती है, ऊपर तो कम रहती है, अपन को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वहाँ पे अपना श्वास फूल जाता है। तो अब आ जाओ जरा वापस पॉइंट पे। वी नो दैट द फोर्स इज द प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। इफ यू इमेजिन ए यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग इन ऑन इट फिल्ड विद एयर, देन द वेट ऑफ द एयर इन द सिलेंडर इज नोन एज द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ऐसे ही एटमोस्फेरिक प्रेशर को निकालने का तरीका अभी आने वाला है, अभी अपन बेरोमीटर पढ़ने वाले हैं। तो एक मशीन होती है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है, उसका नाम बताओ, बताओ। टेम्परेचर नापने वाली मशीन को तो या इंस्ट्रूमेंट को तो अपन कहते हैं थर्मोमीटर। टेम्परेचर नापने वाली इंस्ट्रूमेंट को आप कहते हो थर्मामीटर। तो प्रेशर नापने वाली इंस्ट्रूमेंट को क्या कहोगे? यस, बी रेडी नाउ, राइट डाउन, उसका नाम है बेरोमीटर। ओके, ये तो आपने सर बहुत ही अच्छी बात बताई कि बेरोमीटर होता है। अब जरा ये भी बता दो कि बेरोमीटर जो होता है ना, वो उसमें ये बताओ कि अपने हेड पे कितना वेट पड़ता है, और अगर मैं कहूं कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता, तो 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, ये तो अच्छा बताया। फिर आपने जरा बता दिया ये क्या चीज है भैया, ये क्या चीज है, ये है रबर शकर। कभी कभी ऐसा मिलता है, बाजार में जाओ ना तो ऐसे उसको कहीं पुश कर दो तो वो चिपक जाता है, और कितनी भी ताकत लगाओ छोड़ता ही नहीं है, लेकिन वो दीवार होती है ना, इस पे नहीं चिपकता है, कांच पे बहुत अच्छा चिपकता है। ये क्या चीज है भैया, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया बताया आपने, लेकिन ये बताओ चिपकली होती है ना, वो तो दीवार पे चल जाती है, वो तो गिरती भी नहीं है दीवार पे, लेकिन वो अब सभी लोग अपन तो नहीं चढ़ सकते ऐसे दीवार पे, चिपकली क्यों चल जाती है, चिपकली तो गिरती भी नहीं है,
फिर तीसरा एग्जांपल देते हैं, ये अपन शाही इंक भरते हैं ना, ड्रोपर होता है ड्रोपर, तो उसको ऐसे पुश करते हैं तो पहले हवा निकल जाती है, फिर जैसे उसको वापस छोड़ते हैं तो इंक या कोई पानी होता ना वो ड्रोपर में ऊपर चढ़ जाता है। ये भी एक बड़ा अच्छा आइडिया है। सिरिंज होती है, अपने इंजेक्शन लगाते हैं ना, सिरिंज इंजेक्शन लगाते हैं तो सबसे पहले उसको पूरा पुश कर देते, पुश करके सारी हवा को बाहर निकाल देते, फिर जैसे उस सिरिंज को अंदर घुसा के फिर धीरे धीरे उसको शक करते हैं तो अपने अंदर का जो ब्लड होता है ना वो सिरिंज में भर जाता है। ये भी प्रेशर का मामला है। ओके वाह, तो बहुत सारे। अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं, जो पानी वो स्ट्रॉ होती है ना, स्ट्रॉ कभी पीते हो शरबत वगैरह, नारियल पानी वगैरह, तो स्ट्रॉ को ऐसे लगा के खींचते हो तो अंदर की जो चीज है वो स्ट्रॉ से आ जाती है, तो ऐसा क्यों हुआ बताओ? ये सारी चीजें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एग्जांपल है। तो पहला एग्जांपल अपने पास आया रबर शकर का, ये वाला, ठीक है। चलो अब आ जाओ, पढ़ो जरा क्या लिखा है। हाँ, क्यों होता है रबर शकर? When you press the शकर, most of the air between the cup and the surface escapes out. The शकर sticks to the surface because the pressure of the atmosphere acts on it. To pull the शकर off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. This activity might give an idea about the magnitude of the atmospheric pressure. तो सारे जो अभी एग्जाम्पल दिए वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के हुए। जो अभी अपने लिजार्ड का नाम लिया, चिपकली का नाम लिया, उसके हाथ में ऐसे, उसके पैरों में, हाथों में छोटे 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 है ना वो होती है, ग्रूव होते हैं, जगह होती है, तो जैसे ही वो दीवार पे ऐसे टच करती है अंदर की हवा निकल जाती है और उसका पैर दीवार पे चिपक जाता है, वो भी एटमोस्फेरिक प्रेशर का ही एग्जाम्पल है। अब ये बच्चा खड़ा हुआ है, इसके ऊपर अगर मान लिया, इमेजिन करो कि ये बच्चे के ऊपर कितना वेट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो यहाँ क्या लिखा जरा पढ़ लो, आ जाओ। 10 cm by 10 cm का यदि ये एरिया है तो 1000 kg, ओहो हो 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 हो, 10 cm by 10 cm में 1000 kg का वजन है। ओके, अपने ऊपर 1000 kg का वजन है। ओ, अपने को तो कभी फील ही नहीं होता है। क्यों फील नहीं होता है? अंदर से भी प्रेशर है। तो जरा क्या लिखोगे कि देखो क्या लिखोगे, इधर आ जाओ जरा, इस पे पढ़ो। यस, शाबाश। द वेट ऑफ द एयर इन द कॉलम ऑफ ए हाइट ऑफ एटमोस्फेरिक area is 10 centimeter by 10 centimeter mein is as large as 1000 kg. The reason we are not crushed under this weight is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and cancels the pressure from outside. ठीक है, अभी जरा लिख लो, अगर कोई पूछ ले कि एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है तो आप क्या लिखोगे? आप लिखना, इट इज 15 lbs/in², 1 inch by 1 inch में 15 lbs लगभग 7.5 kg, और इन्होंने अभी अभी एग्जांपल दिया कि 10 cm by 10 cm में लगभग 1000 kg होता है। अभी एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है, ये कोई एक जर्मन साइंटिस्ट का मामला है और उसका एक एग्जांपल दिया है कि वो उसने क्या किया, ऐसे करके दो होलोस्फीयर को करके हवा निकाल के उसको आपस में भिड़ा दिया और इतनी हवा अगर वैक्यूम अंदर आ गया तो इतना ज़बरदस्त चिपक गए ना कि वो उनमें इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो छूटते नहीं, तो 8 घोड़े इधर और 8 घोड़े इधर दोनों तरफ लगा दिए फिर भी वो नहीं छूटता है। तो ये एक एग्जाम्पल अपने को दिया। नाउ अभी अपन फटाफट इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। फोर्स कुड बी
ए पुश और ए पुल पढ़ लिया था. फोर्स अराइजेज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. ठीक है, फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. फोर्स ए चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ इम्प्लाइज ए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन पढ़ा था. फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन इट्स शेप, दोनों काम कर सकता है. ए फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट विथ इट, नॉन कॉन्टेक्ट भी होता है. फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. लिक्विड एंड गैसेज एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स. द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द एयर अराउंड अस इज नोन एज द एटमोस्फेरिक प्रेशर. क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर वन, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ. वापस से बोल रहा हूँ. गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. कोई भी एग्जाम्पल दे दो. टेबल को खिसका रहे, पुश का एग्जाम्पल है. पानी बकेट जो है वो पानी भर रहे कुएं से, पुल का एग्जाम्पल है. कार्ट को खींच रहे कोई गाड़ी को, पुल का एग्जाम्पल है. एनी एग्जाम्पल? तो राइट डाउन द आंसर प्लीज. कम, यस प्लीज, ओके आ जाइए. टू एग्जाम्पल्स ऑफ पुश आर एज फॉलोस. अभी मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें और अच्छे से उसको याद भी कर लें और आपकी बुक में जरूर उतारें. वीडियो चल रहा है तो वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद इसको आंसर को लिख लें. ए हैवी बॉक्स एट रेस्ट इज पुश्ड टू मूव इट फ्रॉम वन रूम टू अनदर. दिस चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन. पुश. ए प्लेयर पुशेज अ फुटबॉल यूजिंग हिज फुट. दिस चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉल. पुश का एग्जाम्पल. दूसरा पुल का एग्जाम्पल. रोप इज पुल्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल. दिस ऑल्सो चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन इन द वाटर बकेट. पुलिंग. ए ड्रॉअर इज पुल्ड टू ओपन इट. ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. ड्रॉअर. क्वेश्चन नंबर टू. Give two examples of the situation in which applied force causes a change in the shape of the object. अब बात हो रही है शेप चेंज होने का. एग्जाम्पल दीजिए. आ जाओ. टू examples of force that causes a change in the shape. Squeezing a plastic bottle. मोड़ते हो ना आप, तो वो भी शेप चेंज हो गया. डिफॉर्मेशन ऑफ क्ले बाई प्रेसिंग इज बिटवीन. अपन पानी वो अपन क्ले का ऐसा बना लिया, वैसे दबाया तो भी डिफॉर्मेशन हो जाएगा उसका, वो शेप चेंज हो जाएगा. तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ. अब आ जाओ इधर. यस, टू ड्रो वॉटर फ्रॉम द वेल वी हैव टू क्या करेंगे? पुल. We have to pull the rope. A charged body क्या करती है? Attracts an uncharged body. ठीक है, attracts. To move a loaded trolley we have to either push or pull. ठीक है. The north pole of the magnet और क्या करता है? North pole को repel. अगर साउथ होता तो क्या करता? अट्रैक्ट. क्वेश्चन आ जाओ. एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो व्हाइल टेकिंग एम टू द टारगेट. शी देन रिलीजेज द एरो व्हिच बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आप जरा पढ़ाएं. तो आर्चर जो है उसने धनुष बाण को ऐसे खींचा और तीर छोड़ा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है. To stretch the bow, the archer applies a force which causes a change in its shape. The force applied by the archer to stretch the bow is an example of
मस्कुलर फोर्स. द टाइप ऑफ द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. While the arrow moves towards the target, the force acting on it are due to gravity and also due to friction. बस ये थोड़ा चौथा वाला थोड़ा सा समझ लो कि जब अपन ने तीर छोड़ा ना तो तीर को तो अपन ने छोड़ दिया. अब तीर जो है कहाँ पे जाके रुकेगा, उसको कौन रोक रहा है? हाँ, आपने तो मस्कुलर फोर्स लगाया और तीर को छोड़ दिया. अब वो तीर जो है नीचे गिरेगा, पर कितनी दूर पे गिरेगा? तो दो फोर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं. पहला तो ग्रेविटी वाला, तो उसको हमेशा तीर को जमीन की तरफ खींच रही है धरती. दूसरी हवा है, हवा भी उसको रोक रही है. तो जितनी ताकत वो चलेगा, थोड़ी देर चलेगा, फिर हवा से, हवा के फ्रिक्शन से और धरती के ग्रेविटेशन से वो थोड़ी दूर जाके नीचे गिर जाएगा. तो कौन से दो फोर्स लगाए अपन ने? एक तो लगाया अपन ने ग्रेविटी वाला, दूसरा लगाया धरती का फ्रिक्शन. ये जरा थोड़ा सा चौथा वाला है ना, ये अच्छा है, लिख लोगे? अब जरा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं. इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एग्जर्टिंग अ फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट्स एक्ट, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच. कौन तो फोर्स अप्लाई कर रहा है और किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, इसका जरा आप बताइए. पहला, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस. नींबू को निचोया, ताकत किसने लगाई? मस्कुलर फोर्स. किसके ऊपर लगाई? नींबू के ऊपर. ठीक है, जरा लिखो आंसर, लिखो आंसर. यस, पहला, इन स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन वी मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूसेस. दिस मस्कुलर फोर्स एक्ट्स ऑन द लेमन. As a result, the shape of the lemon get change. पहले का आंसर, हाथ से ताकत लगाई नींबू के ऊपर, नींबू का रस निकाल दिया. दूसरा क्वेश्चन, टेकिंग आउट पेस्ट, टूथपेस्ट निकाला, वही बात है, मस्कुलर फोर्स और उसके ऊपर बना, आंसर तो वही है. तीसरा, a load suspended from the spring while its other end is on the hook. फिक्स्ड ऑन अ वॉल. कोई एक स्प्रिंग के ऊपर अपने लोड लटकाया, तो ताकत किसने लगाई? उस वेट ने. किसके ऊपर लगाई? स्प्रिंग के ऊपर. और चौथा वाला, एन एथलीट मैक्स इन हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट. एथलीट ने ताकत लगाई, किसके ऊपर लगाई? जमीन के ऊपर. क्वेश्चन का आंसर पढ़ लो, आ जाओ. पहला तो था टूथपेस्ट वाला. So we use our muscular force to take out paste from the toothpaste tube. The muscular force acts on the toothpaste tube. As a result, the shape of the tube gets changed. Part C ka, wo load latkane wala spring ke upar. The suspended load exerts a pressure force on the spring and pushes the spring downwards. As a result, the spring gets stretched. सबको अपने को मालूम है. एन एथलीट पुशेस द ग्राउंड ऑन हिज फीट. एथलीट ने अपना मस्कुलर फोर्स लगाया, हिज फीट एक्सर्ट्स अ मस्कुलर फोर्स ऑन द ग्राउंड. दिस अलाउज हिम टू जंप ओवर द बार. एज अ रिजल्ट द स्टेट ऑफ द मोशन गेट्स चेंज्ड. कहीं स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, कहीं उसका मोशन शेप चेंज हुआ, ये उसका आंसर हो गया. सबने नोट कर लिया, आ जाओ जरा आगे. क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए ब्लैकस्मिथ hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affects the piece of iron? एक लोहार ने, blacksmith ने हथौड़ी से iron के ऊपर ठोका, तो कौन कौन सा force लगा और क्या उसके ऊपर effect हुआ, ये आ जाओ question. Yes, write down the answer. When a blacksmith hammers a hot piece of iron, uses his muscular force. This muscular force changes the shape of the iron so that it can be given a desired shape. बहुत easy easy answer है, केवल question को answer लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ. तो आप इसको क्या करेंगे, मैं अभी थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे, उसको pause करके और उसको answer को note down करेंगे, ठीक है ना? तो आपके तो उसमें mobile में या computer में उसको answer पड़ा हुआ है.
क्वेश्चन नंबर 7. एन इन्फ्लेटेड बलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ. इट इज फाउंड दैट द बलून स्टिक्स टू द वॉल. व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल. बलून को ऐसे ऐसे सिंथेटिक कपड़े से रगड़ा और रगड़ के दीवार पे लगाया तो दीवार पे चिपक गया. कौन सा फोर्स लगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. आ जाओ. ऑन रबिंग इन्फ्लेटेड बलून ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ इट बिकम चार्ज्ड. ए चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज्ड बॉडी. व्हेन दिस चार्ज्ड बलून इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल इट स्टिक्स टू द वॉल. द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज्ड बलून एंड द वॉल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा तरीके से भी लिखा है. इसको जरा नोट तो सारे ही करने, लेकिन ये भी बहुत अच्छा आंसर है. तो आपको मैंने क्या किया, आपके लिए कितना फायदा हो गया, आपको सारा समझा भी दिया और आपके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए, है ना. तो आपके काम कितना अच्छा हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 करो. नेम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड. डिस्कस व्हाई द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग द चेंज. Acting on the bucket do not bring the change in the state of motion. Why the forces? Plastic bucket containing water held above the ground level on your head in your hand. अपने बाल्टी उठा के चल रहे तो उसका state of motion change क्यों नहीं हुआ? Yes. When we use muscular force to hold the bucket of water above the ground, the muscular force acts against the force of gravity that pulls the bucket towards the ground. अपन ने बाल्टी उठाई हुई है और अपन चल रहे हैं तो अपने हाथ की ताकत से तो बाल्टी उठा रखी है, जमीन खींच रही है बाल्टी को, अपन ने लगा रखी है ताकत, लेकिन बाल्टी वहीं की वहीं है. क्यों? पहला तो ये हो गया, the muscular force acts against the force of gravity. The two forces are equal in magnitude. And opposite in direction. Therefore, the net force on the bucket is zero. Hence, there is no change in the state of motion. आ गया. बाल्टी का कोई motion change नहीं हो रहा है. Question number 9. A rocket has been fired towards the launch of satellite in its orbit. Name of the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. Why? Gravity or friction. The two forces acting on the rocket are the force of gravity which pulls the rocket towards the ground and the force of friction. हो गया, लिख लोगे. और आज की क्लास का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और अपना चैप्टर हो गया फिनिश. When we press a bulb of dropper, वो उसको दबाते हैं dropper को, तो उसमें हवा तो निकल जाती है और फिर क्या होता है, पानी उसमें चढ़ जाता है. तो क्या कारण है? आंसर उसका है एटमोस्फेरिक प्रेशर. और ये अपना चैप्टर नंबर 11 पूरा हो गया और अपन को फोर्स और प्रेशर और एक्सरसाइज अपने को प्रॉपर हो गई, तैयारी हो गई बढ़िया. इसको 2-3 बार देखना, क्वेश्चन आंसर को प्रॉपर अपनी कॉपी में सॉल्व करना और अच्छे से नोट्स बनाना. जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है उसको नोट्स बना लेना तो आपका चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाएगा एकदम, है ना. ओके. इस स्टैनवर्ड एजुकेशन सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर के लिए वी विल मीट अगेन. ओके, थैंक यू बेटा, फिर मिलेंगे.